महागठबंधन ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही गढ़ वाराणसी में घेरने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने वाराणसी में बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव को मैदान में उतारा है। तेज बहादुर यादव पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। गठबंधन के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी ने भी तेज बहादुर यादव का समर्थन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर तेज बहादुर यादव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम को चुनौती देने के लिए तेज बहादुर को सलाम। आपको बता दें कि 2017 में बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने जवानों को मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी, तभी से वे चर्चा में आए थे। हालांकि उस विवाद के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, तभी से वे केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक। जय हिंद। देखिए, सपा और जो है अपना समाजवादी पार्टी ने जो समर्थन मुझे खड़ा किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि उन्होंने जो मुझ पर भरोसा किया उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और मुद्दे हमारे वही हैं, जवान, किसान और जो आज नौजवान बेरोजगार है, वही हमारे मुद्दे होंगे। और आम आदमी पार्टी ने भी हमारा समर्थन किया है, अभी आगे देखते हैं, जैसे 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 होगा, पार्टी जैसे जैसे आदेश देगी काम करेंगे। आप पहले भी नामांकन कर चुके थे, सपा के झंडे के जो पहले से थे उनका नामांकन था और आपने भी किया है, तो ऐसे क्या वजह पड़ी थी कि अभी आपको किया पहले? देखो, मैंने तो पहले नामांकन किया था, लेकिन पार्टी ने अब इस समय डिसीजन लिया है, किन वजहों से लिया है इसके बारे में तो मुझे पार्टी बताएगी। पार्टी के बीच में क्या, जनता से तो हमारी यही अपील है कि अब आप खुद पहचान करें, असली चौकीदार और नकली चौकीदार। मैंने क्या गुनाह किया था? मैंने तो भ्रष्टाचार ही दिखाया था इनको। उस बर्फ़ के अंदर खड़े होकर पूरे देश ने देखा था कि बर्फ़ के अंदर खड़े होकर मैंने सिर्फ यही दिखाया कि प्रधानमंत्री जी आज देश के जवानों को ये जली हुई रोटी और पतली दाल मिली, इतना ही साथ कहा था सिर्फ। उसके बदले में क्या मिला? नौकरी से बर्खास्तगी। उस बर्खास्त के दौरान मेरा इकलौता बच्चा 20 साल की उम्र में इसी सिस्टम से मारा गया। तो उन्होंने जो मेरी ये हालत की है, मेरी क्या बहुत से जवानों की हालत की, किसानों की भी यही हालत की। आज नौजवानों का भविष्य देखिए आज क्या है। कह रहे थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? मिला है रोज 4 करोड़ नौकरियां गई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम पब्लिक में जाएंगे और देशवासियों को एक घर घर जाके हम ये सब चीज़ें बताएंगे कि आम मुद्दा हमारा सबसे पहले सुरक्षा है, जवान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, नौजवान के मुद्दे हैं, बुनकर के मुद्दे हैं, गरीब मजदूर के तमाम मुद्दे हैं। और आपको हाँ बिल्कुल, बनारस में हमने देखा, बनारस में कह रहे हैं कि बनारस के अंदर आप देखिए बनारस की क्या हालत कर दी। हम घूम के आए मंदिरों की, पुराने इतने पुराने मंदिर थे जो इतने सारे तोड़ डाले, सारे हम नाम सुनते थे औरंगजेब का, लेकिन हमने तो आंखों से देख लिया औरंगजेब की, हमारी जो प्राकृतिक धरोहर थी इतनी पुरानी, उनको भी उन्होंने क्या हालत किया है। यहाँ बुनकर की वही हालत है, किसानों की भी वही हालत है, अब बहुत बुरी हालत है। भाई राष्ट्रवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवादी पार्टी कहाँ से हो गई बताइए मुझे? राष्ट्र के लिए हम लड़ते हैं ना, वो कहाँ से राष्ट्रवादी? उनके खानदान में कोई आज तक गया है क्या फौज में? और हमारा तो इतिहास है, मेरे दादाजी खुद एक फ्रीडम फाइटर ईश्वर सिंह आज़ाद, जिनको ताम्र पत्रों से सम्मानित किया गया है, वो हमें क्या चैलेंज करेंगे राष्ट्रवाद के? उनको क्या पता राष्ट्रवाद क्या होता है? उनके राज्य में आप देखिए कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, कितने जवान मारे गए हैं, कितने जवान शहीद हुए हैं, आए दिन हो रहे हैं, बताइए आप कहाँ से राष्ट्रवाद हो गया? राष्ट्रवाद का अर्थ जानते? मैं चाहूँगा कि हमारे साथी जवान हैं, एक बार इनसे पूछ के देखिए, बताएंगे फौज के बारे में क्या हालत है। जब पहले भी आप चुनाव लड़े थे, अब सपा का सिंबल मिल गया है, जी लग रही है आपकी जनता के बीच में, क्या स्थिति बनी है और क्या पहले के मुकाबले अब क्या चेंज आया है? नहीं, पहले हम लड़ रहे थे लेकिन वो हमें बल नहीं मिल रहा था, अभी महागठबंधन का और जैसे आम आदमी पार्टी का हमें सहयोग मिला है तो हम और शक्तिशाली हो गए और बल से लड़ेंगे। अब तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमारी जीत निश्चित है।